अबे ये तो भाग्य, मैं कैसे जाऊंगा वापिस। आ तो अभी तक की कैलकुलेशन हमारी ये भी है कि आपको मसूरी से, वी आर सो सॉरी, ये नहीं था, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा हमको भी और आपको भी। हमारी गलती नहीं है, देखो देख के पूरा लग रहा है यार ना, हमें कंफ्यूजन है, कोई बोल रहा है यहाँ से 8 किलोमीटर को, बोल रहे 20-22 किलोमीटर है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, पर रूट सही है। सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज डेट है 25 अगस्त और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आ रखी थी ना, जितनी भयंकर धूप थी, मतलब गर्मी वाली पूरी, जैसा आपको पता है 3-4 दिन से कितनी भयंकर बारिश हो रही थी, देहरादून में क्या हाल था, मालदीव में जो बादल उधर फटा था, इतना खतरनाक सीन हो रखा था। तो धीरे धीरे मौसम सही हो रहा है, और अभी सुबह इतनी तेज़ धूप थी और अभी इतना मस्त मौसम हो चुका है ना, और ये मौसम घूमने के लिए एकदम बेस्ट मौसम है। तो आज जल्दी, बहुत जल्दी उठाऊँ मैं, आज इतने जल्दी मैं भी उठता नहीं, और रेडी रेडी होकर मार्केट आ चुका हूँ। हम दो लड़के जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त जा रहे हैं, हम जाएंगे स्कूटी में। तो अभी सबसे पहले पेट्रोल डालना है, पेट्रोल फुल करूँगा मैं और फिर डाल दूँगा ट्रिप में, देखता हूँ कितना माइलेज कवर हुआ है स्कूटी से, ये भी देखता हूँ, और कितना किलोमीटर हमें पड़ा है जहाँ हम जा रहे हैं ना, डेस्टिनेशन कितना किलोमीटर दूर है, और पूरा आपको पता चलेगा कहाँ से शॉर्ट रास्ता है, कहाँ पर लॉन्ग है। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल पेट्रोल डालता हूँ और फिर सीधा निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। गाइस ध्यान से देखो शख्स को, यही वो इंसान है जिसने मुझे 1 घंटा लगा दिया आने आने में, 1 घंटा लगा दिया। तो गाइस अभी हमने 100 किली क्रॉस किया है, सो लगभग हम 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ पे तो इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना, एकदम वाइट 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 वाइट, और ये देखो ये भी भीग गया पीछे बैठ बैठ के। और हमने अभी कितना, मैंने ट्रिप में डाल दी थी तो हमने कितना कवर किया है, यहाँ तो कहेंगे सर से पूरा पानी निकल गया, ये देखो अभी हमने 11 किलोमीटर कवर किया बस, और पूरा मौसम बंद हो गया एकदम। और यहाँ पे ना बचने के लिए, अगर बारिश होगी तो बचने के लिए जुगाड़ भी है, देखो ये पाइप लगा रखा है, इसके अंदर आप जा सकते हो आराम से। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं अभी हमें बताया नहीं, वो सरप्राइज है कि बता दें अभी हम कहाँ जा रहे हैं। फिर अभी हम देवलसारी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं देवलसारी, जिसको बोलते हैं ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। उसकी हिस्ट्री के बारे में मेरे को पता नहीं, इस भाई को पता है, अभी अभी नहीं बताएगा, थोड़ा सा आगे बताएगा क्योंकि अभी बारिश हो सकती है, इसलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि कोहरा भयंकर हो चुका है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल पानी, ये देखो यह पेड़ों के थ्रू आता है, पता नहीं कहाँ से, पर एकदम नेचुरल होता है, बिस्लेरी से बढ़िया। तो फिलहाल तो यहाँ पे इतना खतरनाक मौसम हो गया ना भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा कसम से, सामने को दिख ही नहीं रहा, फिर भी चल ही रहे चल ही रहे, क्योंकि रास्ता हमने पूछा किसने बताया कितना किलोमीटर बताया था, मतलब ये ट्रिप हमारी मैक्सिमम 100+ किलोमीटर की होगी, और ट्रिप हमने डाली थी, देख लें कितना किलोमीटर है, बाकी यहाँ से अभी दूर तो बहुत है। गाइस अभी हम अननोन लोकेशन में, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ पे हैं, रुकने का कोई हमारा सीन था नहीं, पर रुकना पड़ा, क्यों रुकना पड़ा वो पीछे आप देख सकते हो, व्यू देख के इतना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखो हमारे पीछे, हमारे ठीक पीछे एक बादल है, मतलब उधर पे तो आपने देखा क्या घुप कोहरा था एकदम, यहाँ पे देखो मौसम खुल गया धीरे धीरे। अब यहाँ से हमें पता नहीं कितना किलोमीटर है, अभी तो हम 1-2 किलोमीटर कवर किया होगा सेवा गली से, पर यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा है देखो। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं रौतू की बेली में, यहाँ पे अभी एक भैया मिल गया था मैं यहाँ के लोकल, हमने उससे पूछा, पूरा उन्होंने बता दिया यहाँ से कितना किलोमीटर है, और पर अभी एकदम मौसम तो आप देख चुके हो हमारे पीछे, यहाँ से हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है, मेन बात ये है। और ट्रिप में देखो 14 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, मतलब मसूरी से यहाँ रावतू की बेली है 14 किलोमीटर, और यहाँ से 12-13 होगा थत्तीउड, और थत्तीउड से 8-10 किलोमीटर होगा देवलसारी, वहाँ से थोड़ा पैदल का रास्ता भी है, पर खुशी इस बात की है कि मौसम हो गया सही है। गाइस देखो हमारे पीछे उस साइड देखो, अभी वहाँ से हम आए, आपने देखा था क्या वाइट रहा था पूरा, अभी आती इतनी मस्त धूप होगी ना,
और यहाँ पे बोट है क्या है, वैष्णवी भाई, हिंदी ना एक टाइम पे पढ़ी नहीं जाती, मतलब ऐसे बुढ़े करके पढ़ना पड़ता है। शुक्ला मैम अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो तो, मैडम आप अगर ये ब्लॉग देख रही हो तो आपकी गलती, आपने हम पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपने हम पे ध्यान दिया होता तो आज हमारे ये हाल नहीं होते। अगर आपने हम पे ढंग से ध्यान दिया होता तो अभी मैं एक बारी पढ़ पाता। ये देखो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर आते ऑलमोस्ट, मैं पता नहीं कहाँ है, पर अभी हम राउतों की बिल्डिंग में। देख रहे हो ये शायद जहाँ तक हमारा अनुमान ही है राउत की बिल्डिंग, क्योंकि भैया बोल रहे थे ना गांव के बारे में, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि राउत की 2 किलोमीटर में हो गए चल चलते, और यही गांव मिला है। इतनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ 16 किलोमीटर बोर्ड आ गया, 16 किलोमीटर बोर्ड। काफल रेस्टोरेंट आते हुए, ये देखो यहाँ पे काफल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी झंडा लगा हुआ, यहाँ पे पूरे साल काफल मिलते हैं। हाँ ये एरिया है ना जहाँ मैक्सिमम काफल लगते होंगे, अब गर्मियों के टाइम में तो अंकल देवल सारी आ गई है क्या? देवल सारी गाज, यहाँ पे रास्ता भी थोड़ा बंद हो रखा है, जेसीबी लगा हुआ बंद लगता है ना बारिश में हुआ ऊपर से। गाइस अगर आप कभी रात को आ रहे हो, रात को क्या अभी दिन में ही आ रहे हो, अगर यहाँ पे बारिश होगी तो गवर्नमेंट ने कैंपिंग की व्यवस्था करी है। देखो आप इसके अंदर रुक सकते हो आराम से, 4 बंदे हैं मतलब 8 बंदे रुक सकते हैं इसके अंदर, दो एक में, मतलब सरकार हमारे इतना सोचती है। देखो इतनी प्यारी जगह है, गाइस ये देखो सामने ये है अल्मस, हम अल्मस विलेज में पहुंच अल्मस, और ये देखो सामने मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, टॉप में ना खेतों के बीच में जो मंदिर है आपको साफ दिख रहा है कि दिख रहा है, पर यहाँ से इतना प्यारा लग रहा है। देखो उस पेड़ के पीछे देखो वहाँ पे वो रहा, देखो टॉप में एकदम इतना प्यारा गाँव है। स्वागतम, ये देखो स्वागत, ग्राम सभा अल्मस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम हैं थत्तीउड से 8 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पे आप झरना देखो, मतलब इतनी प्यारी जगह है ना भाई, हमने इतना सोचा नहीं था इतनी प्यारी जगह, हम खुद भयंकर मसूरी के रहने वाले हैं, हमें पता है कैसी कैसी होती, पर यहाँ देखो भाई इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, यहाँ पे देखो जरा वाओ। अबे ये तो भाग गया, मैं कैसे जाऊँगा वापिस, अबे भीग जाऊँगा, तू आ मेरे को लेने यार। अबे गाइस यहाँ से जाएंगे ना हम शॉर्टकट, यहाँ पे देखो पता नहीं कहाँ ऊपर से ना पानी आ रहा है नेचुरल, बट इतना है यहाँ पे बच बच के आ देंगे, बहुत प्यारी जगह गाइस, बहुत अच्छा दिखाता हूँ। भैया देवल सारी आ गई है, देवल सारी आ गई है, धन्यवाद। तो हम हैं सही रूट पे, हम देवल सारी यही रूट है, हमको लग तो रहा था कि सही है, पर वहाँ पे 2 रोड कट रही थी ना, तो हमें लग रहा था कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, बहुत अच्छा है। अगर नहाना है तो नहाने के लिए आ सकते हो, वहाँ पे देखो प्यारा सीन आ रहा है, देखो चले नहाए नहाने के लिए। पर आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में सेवा गली में कैसा मौसम था, यहाँ पे अलग ही लेवल का मौसम हो रहा था कसम से। तो अभी हमने कवर किया है थोड़ा साउंड का, हमारे पीछे झरना है इतना भयंकर, 25 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, थोड़ा न्यूट्रल भी यहाँ पे, तो न्यूट्रल हम आ रहे हैं, पर हम इंजन ऑन है हमारा, चाबी ऑन है तो रीडिंग आ रही है। तो गाइस अभी हमें थत्तीउड से 5 किलोमीटर पीछे, और यहाँ तक का आपको आना है तो हम आपको फटाफट लोकेशन बता देते हैं थोड़ा सा, जहाँ तक अभी पहुँचे हम। सबसे पहले अगर आप मसूरी से आ रहे हो तो सबसे पहले आप आओगे लाइब्रेरी से किंगरेट आओगे या फिर पिक्चर पैलेस, फिर आप आओगे लंडौर, फिर आप आओगे धनलडौरी रोड पे, वहाँ पे आप सुबह खोली से अंदर लेफ्ट लिए कट करना है, थत्तीउड रोड के लिए कट करना है, फिर उसके आगे कौन सा गांव आएगा, सबसे पहला गांव आएगा रातू की बेली, सबसे पहले रातू की बेली आएगा, उसके बाद अल्मस आएगा, अल्मस के बाद थत्तीउड आएगा डायरेक्ट, उसके बाद सीधा थत्तीउड। अभी थत्तीउड पहुंची नहीं है यहाँ से, 8 किलोमीटर थत्तीउड है, और उसके आगे हमें पता नहीं अच्छा हो रहा है, पर वो तो आपने देखा होगा ना स्टार्टिंग में कि पहले मौसम कैसा था और अभी कैसा, इतना खतरनाक हो रहा, मतलब बहुत चेंज है मौसम, बता ही नहीं सकते, गर्मी हो रही है ना, नहाने वाला मन कर रहा है, अभी उतरेगा ये भी उतरेगा, अभी सब उतरेगा, हमारी देवल सारी की ट्रिप कंप्लीट होगी जो हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, हमारा ना 17 को भी था, पर 17 को भद्राज था, फिर वहीं चले गए,
चलो फिलहाल थोड़ी फोटो शूट करते हैं। कल भी हमारा प्लान हुआ था पर रॉबी को कुछ काम पड़ गया था और उसने मुझे धोखा दिया। मेरे को नहीं इसको। अंकल जी देवल सारी कितना दूर है? देवल सारी कितना होगा फिर भी? 30-22। अभी नदी कौन सी नीचे आ रही? अकलाड़ है। पानी बहुत कम है अंकल जी आजकल इसमें, और इधर बारिश हो रही है आजकल, और मसूरी में तो बहुत बारिश हो रही है रोज, इधर तो बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद अंकल। ये थी अकलाड़ नदी जैसा मैं लग ही रहा था, पर ना अगर आप उधर से देखोगे मतलब मसूरी एरिया से देखोगे, पर वो तो आजकल इतनी खतरनाक आ रही थी अकलाड़ नदी, और यहाँ पे तो हल्की सी लग रही है एकदम, है ना, लाइट सी, और सामने आ चुका है थतीउड़। यार ना मेरे कन्फ्यूजन है, कोई बोल रहा है यहाँ से 8 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है 20-22 किलोमीटर है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, पर रूट सही है हमें पता है, पर हम 8 ही मानेंगे हम। अब यहाँ पे एक और इनसे पूछते हैं, ठीक है, ये कितना बता दें भैया? भैया देवल सारी कितना किलोमीटर है? देवल सारी यहाँ से भाई 10-15 किलोमीटर पड़ेगा। 15 किलोमीटर आप सीधा रोड है ऊपर के लिए ना, वहाँ से खाले से कट रही है ऊपर से जाएगी रोड इधर को, तो इधर से जाना सीधा। अबे नारे लोग जाएंगे आप उधर से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा आपको, गाड़ी मतलब उधर से लगानी पड़ेगी आपको। अब भाई नदी में जाने का रास्ता है? रोड पे नहीं मिलेगी? रोड पे नीचे मिलेगी, पुल के पास मिलेगी। हाँ। जा सकते हैं वहाँ पर? जा सकते हैं आप। धन्यवाद है बात वाला है ना। अच्छा ठीक है थैंक यू। तो भाई वहाँ देखो वाह लोग नहा रहे हैं, और ये तो ये आ गया बोर्ड। स्वागत होते हैं थतीउड़ गांव में, थतीउड़ आगमन पर हार्दिक स्वागत है। तो अगर देहरादून वाले थतीउड़ नहीं आ पाएंगे तो टेंशन की बात नहीं है, प्रेमनगर चल जाएगा की बात है, मतलब ये सेम प्रेम नगर लग रहा है, वही गलियां वही, पर यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ पे जो पहाड़ है ना वो बहुत प्यारे हैं, सारा व्यू चेंज कर देते हैं, वो देहरादून में नहीं मिलेगा आपको, यहीं आना पड़ेगा वो मजे लेने के लिए आपको। हमारे पीछे अभी थतीउड़ मार्केट है और इसके नीचे है नदी अकलाड़ नदी ना, अगर हमें रास्ते मिल गए तो पक्का देखे जाएंगे। अरे आ चुका है थतीउड़ का मार्केट, मेन मार्केट बोलते हैं इसको यहाँ का। गाइस आ चुका है सामने पुल, थतीउड़ का पुल, उसके नीचे हो गया अकलाड़ नदी। यहाँ के मार्केट में तो मसूरी से ज़्यादा भीड़ हो रही है आजकल। हेलो ओए बच्चे, मार्केट से ज़्यादा भीड़ हो रही है मसूरी के मार्केट से थतीउड़ में, और जो अकलाड़ नदी थी ना वो यहाँ पीछे से निकल गया, देखो वहाँ पे जो पुल था उसके नीचे से वो निकल चुका है। तो थतीउड़ हमने क्रॉस कर लिया है यहाँ पे, अब आप अगर आप आओगे ना थतीउड़ का आपको पुल मिलेगा यहाँ पे, ये सामने पुल है जो आपको दिख रहा होगा, आपको वहाँ सीधे ऊपर नहीं जाना, आपको सीधी रोड में आना है, वहाँ पे बोर्ड होगा जालसी का, जालसी कितने किलोमीटर से? दो किलोमीटर आपको जालसी मिलेगा, उसका आगे तो हमें पता कहाँ जाना है, और जितना हमें पता बताते रहेंगे जैसा हमें पता लगेगा आपको बताते रहेंगे, उसी रूट का आपको फॉलो करना, सीधा पहुँचोगे देवल सारी। जितने लोग हमें मिले ना मैंने उनसे यह पूछा कि 3-4 दिन पहले यहाँ क्या सिचुएशन थी, बारिश से आपने पता सब को पता ही होगा देहरादून में क्या हाल हुआ था मालदीवता में, पर यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, यहाँ बारिश ही नहीं हुई कितने टाइम से, वो बोल रहे हैं यहाँ हुई नहीं, पड़ा हुआ है गर्मी, मई जून वाली गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी है ना। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम देवल सारी पहुँच रही है, अभी तो बहुत दूर है देवल सारी, पर आवाज़ से आपको पता चल गया होगा जो हमने आपको अभी नदी कही अकलाड़ नदी, तो यहाँ पे एक रास्ता था ना नीचे नदी जाने का, तो भाई राय नहीं गई थी, प्यारी लोकेशन है ना कसम से, मैं आपको दिखाता हूँ, हेयर इट इज़। अभी हमने जितनों को पूछा वो क्या नाम बताया था, अकलाड़ ही बोल रहे थे मैक्सिमम लोग, और ये देखो इतनी प्यारी जगह है ना ये भाई। ओए मछली इसके अंदर, तो आप लोग कभी प्लान बना रहे हो देवल सारी आने का तो भाई इस जगह ज़रूर आना, ये रास्ते में मिलेगी, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये सामने ऊपर रोड है जो देवल सारी जा रही है, उसके नीचे एक बैंड आता है वो सीधा इस नदी पर ले आएगा। गाइस इस एरिया में ना बहुत सारे छोटे छोटे झरने टाइप के हैं, जैसे होते नहीं कहीं कभी इस पार से गए कभी इस पार से निकल जाते हैं, अब वो जो जितने भी सारे झरने ना सब जाके इस नदी में मिल रहे हैं, तभी इतनी भयंकर नदी बन रही है आगे जाके, क्योंकि ऊपर से छोटी छोटी सी आ रही छोटी छोटी नदी, और यहाँ की इतनी बड़ी लगी ना भाई, ऊपर से हमने सोचा कि छोटी सी होगी और यहाँ पे तो खतरनाक थी,
चलो फिलहाल तो निकल गए हम यहाँ से, यहाँ से देवल सारी के लिए सीधा। और जितने लोग बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं कि देवल सारी में ठंडा होगा, चलो देखते हैं। सीट भी गर्म होगी, हम भी गर्म हो गए, गर्म हो गए ठंडे, पानी मार दो थोड़ा भाई जल्दी आना। चलो यार निकलते हैं, ऊपर ही मिलते हैं सीधा। तो गाइस ये किस चीज़ का पेड़ है किसी को पता होता कमेंट करके जरूर बताना, कम से देख लो एक बार, गैस कर सकते हो, गैस कर सकते हो, देख लिया अपने पास क्या पेड़ कमेंट करके बताना किस चीज़ का पेड़ है, ठीक है। हमारे पीछे स्कूल, उनकी भी छुट्टी हो गई, अभी भाग रहे मस्त करके। और जो हमारे अंदर अभी एक्साइटमेंट है ना भाई, क्योंकि पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा होगा, मतलब खत्म होने वाला है। अब मेरे को ऐसा लगा मेरे को दिख गया कुछ, हाँ सच में दिख रहा हूँ उसके पीछे कुछ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाइस, हमारे सामने मंदिर है। वाओ, अरे भाई गलत आ गया, यहाँ गलत नहीं, शायद यहीं से पैदल रास्ता है, आई थिंक ये पैदल है, पैदल है, गारंटी पैदल है। हाँ 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 सही गाइस, देखो हेयर इट इज देवलसारी महादेव मंदिर, द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। हमारी गलती नहीं है, देखो देख के पूरा लग रहा है कि मंदिर है, यहाँ पे कोई लोग ही नहीं, किसको पूछे। अभी दो तीन लॉन्डर आ रहे थे हमारे पीछे पीछे, देखते उनको कहाँ पे, वहाँ पे ना स्कूल के बच्चे हैं, उनको से पूछते क्या पता उनको बताओ। पर देखो जो अखलाड़ नदी बोल रहे ना, देखो नीचे पूरी यहीं से जा रही हो घूम फिर के। वी आर सो सॉरी, ये नहीं था, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा हमको भी और आपको भी, इस बैंड के आगे ही है। पर हमें लग रहा था यार वो ऐसी जगह पे बनाओ, हम क्या करें रास्ता भी यहाँ से, क्योंकि देवलसारी के लिए भी ना थोड़ा आपको फाइनली देवलसारी दिखाई के माने, दिखा के ही मानेंगे क्योंकि हमारा बहुत मन है। क्या पता बहुत खतरनाक नाम था भाई, भाई नाम क्या बताया, उजालडी। तो गाइस हम ना थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, यहाँ पे लड़का मिला, हमने सोचा देवल से एक रास्ता का, उसमें भाई आप तो आ गए ऊपर हैं, इतना भयंकर गांव का नाम बताया ना इसलिए, तो हमारी संस्कृति में नहीं, चल चल तू चल, इतना तो हमने संस्कृति हिंदी भी नहीं पढ़ी। अरे पुजालडी नाम कुछ बताया ऐसे गाँव का, कि यहाँ से आप आगे चल जाओ, वहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हो, वहाँ से पैदल रास्ता थोड़ा नीचे। पर हम भी मैक्सिमम ठीक ही पहुँचे, थोड़ा सा ऊपर चले गए थे बस, बहुत दूर है क्या, मैं तो पहुँच जाऊँगा चलो कोई नहीं। फाइनली पहुँच चुके हैं देवलसारी, यहाँ से पैदल ट्रैक होता है, 5-10 मिनट का रास्ता होगा। सबसे पहले जो हम एक भैया मिले थे जो बोल रहे थे कि यहाँ पे ठंडा है, भैया बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी आपने। अरे पता है यहाँ पे लोकल भैया थे यहाँ पे, उनसे हमने पूछा यहाँ के बारे में, जो नीचे पीछे गांव था, जो बड़ा सा गांव था ना, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी चीज़ है कमेंट करके बताओ, उस गांव का नाम है बंगसिल, जो बता रहे थे। अरे इस गांव का नाम क्या बताया उन्होंने, पुजालडी, पुजालडी इस गांव का नाम है। और भैया ने एक चीज़ और बताई हमें कि आप 2 दिन बाद आते हैं ना, तो यहाँ पे पूजा होती है रात को की, पांडव पुंडव नाचते रात को, और मतलब सारा सारी व्यवस्था, खाना पीने की सारी व्यवस्था होती है। पर हमें पता होता हम आ जाते, पर क्या पता हम फिर आ सकते हैं क्योंकि जगह इतनी प्यारी है ना, खाने पीने की व्यवस्था होती है, वहाँ पहुँचे जैसे आपने इसकी मुझसे सुन लिया, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो कितनी जल्दी हो रही है, पता होना चाहिए। तो यहाँ से मंदिर 5 मिनट रास्ता होगा, पैदल ट्रैक है। और सबसे पहले आपको यहाँ की ना हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं जितना हमें पता है। बता, यहाँ पे ऐसा हुआ था एक बार भगवान शिव आए थे, मतलब साधु का रूप लेके आए थे ना रात में, तो गाँव वालों से बोला था कि मुझे रुकने का स्थान दे दो, तो गाँव वालों ने मना कर दिया था, तो शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरी रात में, मतलब गांव वालों के खेत थे यहाँ पे जौ के खेत, उसको एक देवदार के जंगल में कन्वर्ट कर दिया था, तब से उनका स्थान है और बहुत फेमस है। मतलब यहाँ के लिए ना ये बहुत, जैसे वो नहीं बोलते लैंड ऑफ गॉड टाइप का, मतलब यहाँ बहुत टाइम पहले शिव जी रुके थे इस मंदिर में, इसलिए इस मंदिर की इतनी मान्यता है। एक रात रुके थे पूरी, अब लोग बोलते हैं, अब जो बोलते हैं वो तो होगा ही ना, जो जितना हमें पता है, जितना हमने सुना है, बाकी वहाँ जाके पता करेंगे। पर अभी तो अलग ही खुशी है हमारे अंदर क्योंकि पहुंच चुके हैं, इतनी दिनों की लंबी ड्राइव करके पहुंच गए हैं, बहुत दूर था, बहुत दूर था, वो हम आपको गाइड बता देंगे। और गर्मी गर्मी तो यार इतनी भयंकर हो ना, मई जून वाली। और मेन बात आपको बताऊं, जो अखलाड़ नदी थी ना जिसको हम इतने दूर से ढूंढ रहे थे, यहीं से निकल रही हो, देखो नीचे देखो यही नदी वो है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है, इतनी लंबी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। अब मंदिर की पूरी ब्लॉग देखना नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय।